रामपुर के जंगल में एक विशाल पेड़ था जिसमें शाम होते ही सभी चिड़िया एक साथ मिलते थे। उसमें से एक टूनी चिड़िया बहुत बुद्धिमान और समझदार चिड़िया थी। सभी उसके बुद्धिमानी की तारीफ भी करते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के नीचे लिपटे देखा। वो बेल काफी छोटी और कच्ची थी। टूनी उस बेल को इस तरह से देख रही थी कि मानो उसने कोई बड़ी चीज देख ली। फिर टूनी ने उस बेल को उखाड़ने की सोची। टूनी बड़ी हैरानी से बोली, ये बेल यहाँ कैसे आ गई? अगर ये बेल बड़ी हो गई तो हमारे झुंड के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे अभी इसे उखाड़ना पड़ेगा। फिर टूनी अपनी चोंच से उस बेल को उखाड़ने की कोशिश करती है। ये क्या, ये बेल तो उखड़ ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, बाकी दोस्तों को भी बुला लाती हूँ। फिर टूनी आवाज लगाकर अपने झुंड के सभी चिड़ियों को पेड़ के नीचे बुला लेती है। क्या हुआ टूनी, तुमने हम सबको नीचे क्यों बुलाया है? हाँ टूनी, क्या बात है जो हम सबको एक साथ बुलाई? ये देखो, इस बेल को हमें उखाड़ना पड़ेगा। कैसी पागलों जैसी बात करती है टूनी, आखिर इस छोटी सी बेल से तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ टूनी, इस नन्ही सी बेल को तुम क्यों उखाड़ना चाहती हो? अगर इस बेल को अभी नहीं उखाड़ा तो ये हमारी जान पर बनाएगी, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये नन्ही सी बेल हमारी क्या जान लेगी? लगता है टूनी ज्यादा सोच कर पागल होती जा रही है। आखिर ये नन्ही बेल हमारा क्या बिगाड़ पाएगी? हमें इस बेल से कोई दिक्कत नहीं है टूनी, और तुम भी ज्यादा मत सोचो, कुछ भी नहीं होगा। इस तरह सभी टूनी पर हंसने लग जाते हैं और सभी पेड़ के ऊपर चले जाते हैं। छोड़ो टूनी, रहने दो, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, चलो यहाँ से चलते हैं। कुछ दिनों में धीरे धीरे वो बेल बढ़ता जाता है और उस पेड़ को पूरी तरह से जकड़ लेता है और सभी चिड़ियों का उस पेड़ पर आना जाना लगा रहता है। ये सुंदर सी बेल हमारे लिए आखिर कैसे खतरा हो सकता है? बहुत सुंदर है ना? हाँ, तुम सोच रहे होगे कि ये सुंदर सी बेल हमें कैसे नुकसान कर सकती है ना? हाँ टूनी, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर यह बेल हमारे लिए कैसे खतरा है? टूना, समझने के लिए एक पल ही काफी होता है, आज या कल तुम समझ ही जाओगे। सुनो दोस्तों, तुम्हें नहीं लगता टूनी का दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है? हाँ गौरी, बात तो तुमने सही कही। हाँ देखो तो, आते ही टूना को अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दी। अरे चलो, हमें अपने घर तो भी तो जाना है। हाँ हाँ, चलो चलो। सभी अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। तभी गौरी को झाड़ियाँ हिलते दिखती है। चलो गौरी, चले। हाँ अभी आई। अरे अब चलो भी। सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस झाड़ी से एक शिकारी बाहर निकलता है। बाल बाल बचा, अगर वो चिड़िया मुझे देख लेता तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। अब जल्दी से जाल लेकर आता हूँ और उस पेड़ पर बिछा देता हूँ। शिकारी अपना जाल लेकर आता है और पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। ओहो, कितना बड़ा पेड़ है। चलो अच्छा है, इस पेड़ पर चढ़ने के लिए बेल भी है। अब जल्दी से इस पेड़ पर चढ़ता हूँ और जाल बिछा देता हूँ। फिर शिकारी बेल की सहायता से पेड़ पर चढ़ता है और जाल बिछा देता है। अरे गोरी, ये टूनी अकेले पीछे क्यों उड़ रही है? अरे ध्यान से देखो, वो अकेले नहीं है, साथ में उसका चेला भी है। मुझे लगता है किसी दिन हमारे झुंड को ज्ञानियों का झुंड बनने लगे।
टूनी, तुम उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? जब भी देखो हर कोई तुम्हारे मजाक ही उड़ाता रहता है। तुम इस झुंड की सबसे समझदार और बुद्धिमान चिड़िया हो। क्या तुम उन लोग को कुछ नहीं बोलोगी? तुम्हें इस झुंड का नेतृत्व करना चाहिए। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती, ना ही मैं इस झुंड का नेतृत्व कर सकती हूँ। कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। अब तुम्हें ही इस झुंड का नेतृत्व करना चाहिए। तुम आगे जाओ। ठीक है टूनी, जैसा तुम कहो। शाम होते ही सभी चिड़िया उस पेड़ के पास आ जाती हैं। जैसे ही सब पेड़ पर उतरे तो सारी चिड़िया एक एक करके शिकारी के जाल में फंसते गए। जब वो जाल में फंस गए और एक दूसरे को देखते रहे तो टूनी की बुद्धिमानी और समझदारी का पता चला। तभी टूनी भी वहाँ आ गई। हे भगवान, अरे नहीं, क्या तुम सब ठीक हो? हम मूर्ख हैं टूनी, हमें माफ कर दो टूनी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। अब तुम माफी क्यों मांग रही हो? ये सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने टूनी की बात मान ली होती तो हम इस समस्या में नहीं फंसते। नहीं, हम इस समस्या में उस मेल के कारण आए हैं। इस तरह से सभी बहस करने लगते हैं। ठीक है, अब शांत हो जाओ। अब मुझे तुम्हें इस जाल से निकालने के लिए कुछ उपाय सोचने दो। टूनी, हम सब मूर्ख हैं, हम तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हैं। हम बहुत शर्मिंदा है टूनी। अब इस संकट से निकलने का उपाय तुम ही बता सकती हो टूनी। आगे से हम सब तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालेंगे। हाँ टूनी, टूनी, हामी हो। सभी चिड़ियों ने एक साथ हामी भरी। तभी टूनी ने उन्हें एक सलाह दी। मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनो, जब वो शिकारी आएगा तो तुम सब मरने का नाटक करना। शिकारी तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर पटकता जाएगा। वहाँ भी मुर्दों की तरह पड़े रहना। जैसे ही तुम सबको वो बाहर निकाल देगा तो मैं आवाज लगाऊंगी, तो तुम सब मेरी आवाज सुनते ही उड़ जाना। क्या तुम सब समझ गए? हाँ टूनी, हम सब समझ गए। सुबह हो चुकी थी। सबको शिकारी के आने का इंतजार था। और जब शिकारी आया तो चिड़ियों को मरा देखकर हैरान हो गया, क्योंकि सभी चिड़ियों ने वैसे ही किया जैसे टूनी ने कहा था। अरे, ये सब कैसे मर गए? अब मैं मरे हुए चिड़ियों का क्या करूँगा? अब इन्हें फेंकने के अलावा कोई उपाय नहीं है। शिकारी ने जाल उतारा और सचमुच ही चिड़ियों को मरा हुआ समझकर जमीन पर पटकता गया। ओए होए, मार दिया रे। जैसे ही शिकारी ने आखिरी चिड़िया को निकाला तो टूनी ने तुरंत आवाज निकालना शुरू कर दिया। शिकारी ने जैसे ही हैरानी से ऊपर देखा तो सारे चिड़िया एक साथ उड़ गए। शिकारी उन्हें उड़ता देख हैरान रह गया, लेकिन गोरी का पैर जाल में फंस गया। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे ही शिकारी की नजर गोरी पर पड़ी तो वह तुरंत उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा। तभी टूनी उस शिकारी पर हमला कर देती है। नहीं नहीं, मेरे ऊपर से हटो, आ आ, मेरे ऊपर से हटो हटो हटो, यहाँ से हटो। अरे नहीं, सब वापस आओ, हमें उनकी मदद करनी होगी। फिर सब मिलकर उस शिकारी पर हमला कर देते हैं और कुछ चिड़िया गोरी को छुड़ाते हैं। छोड़ दो मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से कभी नहीं करूँगा। हटो हटो हटो, छोड़ दो मुझे। नहीं, रुको, रुक जाओ। और इस तरह सभी चिड़िया टूनी की समझदारी और बुद्धिमानी की वजह से शिकारी की जाल से निकलकर अपनी जान बचा पाए
और उस दिन से किसी भी चिड़िया ने टूनी की बात नहीं टाली। अब टूनी ही झुंड का नेतृत्व करने लगी। तभी एक और तीर आया और वह टूना के पंख में जा लगा। टूना वही जमीन में गिर गया। टूना टूना नहीं। रामपुर के जंगल में बहुत सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। एक सुबह सभी पक्षी सुबह सुबह का आनंद ले रहे थे। वहीं टूना टूनी और उसके दो बच्चे भी सभी पक्षियों के साथ सुबह की ताजी हवा का मजा ले रहे थे। तभी अचानक कहीं से तेज रफ्तार में एक तीर आया और पेड़ के तने में लगा। उसी तरह दो तीर और आए जो जमीन पे लगे। भागो भागो, लगता है कोई शिकारी आया है। सभी पक्षी अपनी जान बचाओ। सभी पक्षी डर कर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ने लगे। तभी एक और तीर आया और वह टूना के पंख में जा लगा। टूना वही जमीन में गिर गया। टूना टूना नहीं। टूनी चिड़िया चिल्लाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ी। ये क्या हो गया टूना, मुझे पकड़ो और उड़ने की कोशिश करो। टूना टूनी को पकड़कर उड़ने की कोशिश करता है पर उड़ नहीं पा रहा था। टूनी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती है पर उसे उठा नहीं पा रही थी। उधर से शिकारी पास आ रहा था। उसे देख टूनी अपनी पूरी जान लगा दी और टूना जमीन से ऊपर उठ गया। टूना ने देखा कि शिकारी पास आ रहा है। तभी वो टूनी से बोलता है। टूनी, शिकारी पास आ रहा है, तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी जान बचाओ, बच्चों को लेकर जाओ यहाँ से। इतना कहकर टूना जानबूझकर टूनी को छोड़ देता है और वह जमीन में गिर जाता है। टूना नहीं। टूनी चिल्लाने लगी। तभी शिकारी ने टूनी पर ही तीर चलाया जिससे बचकर टूनी डाली पर जाकर छिप गई। अरे वाह, आज मैंने तो आखिरकार शिकार पकड़ ही लिया, यही तो चाहिए था मुझे। उसने टूना को उठाया और देखा कि उसको चोट आई है। हल्का सा चोट है, इसे अभी पिंजरे में रख देता हूँ, ये ठीक हो जाएगा तो मेरी किस्मत बदल जाएगा। ये शिकारी टूना को कहाँ लेकर जा रहा है? मम्मी, हम पापा को कैसे बचाएंगे? शिकारी उनको कहाँ ले जा रहे हैं? तुम घर पर ही रुको बच्चों, मैं देखती हूँ कि ये शिकारी टूना को कहाँ ले जा रहा है। शिकारी टूना को अपने झोपड़े की ओर ले जा रहा था और टूनी भी उसके पीछे पीछे चली गई। शिकारी टूना को एक पिंजरे में कैद कर उसे अपने झोपड़ी में टांग देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर टूनी टूना के पास आ जाती है। टूनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, शिकारी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें भी पकड़ लेगा। चली जाओ यहाँ से, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। टूनी पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है। इतने में शिकारी की नज़र उस पर पड़ जाती है। शिकारी तुरंत वहाँ चला आ जाता है। टूनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से थोड़ा दूर चली जाती है। मेरी किस्मत अब खुलने वाला है, जब से मेरी शादी हुई थी मेरी किस्मत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने अपने बीबी को मायके भेज दिया ताकि बाबा के बताए अनुसार मैं तेरा बलि दूंगा और मेरी किस्मत फिर से चमक उठेगी। ये सुनकर टूना और टूनी बहुत डर गए। ये शिकारी तो टूना के बलि चढ़ाने वाला है, अब मैं इनको कैसे बचाऊं? किसके पास जाऊं मदद के लिए? मेरी मदद कौन करेगा भगवान? तभी टूनी को मोटे पपीते का ख्याल आता है। मोटा पपीता सभी की मदद करते थे। टूनी तुरंत मोटे पपीते के पास चली जाती है और मोटे पपीते को सब कुछ बताती है। क्या शिकारी अपनी किस्मत बदलने के लिए टूना का बलि देगा? ये इंसान कितने अंधविश्वासी होते हैं। पपीते भैया, हम टूना को कैसे बचाएंगे? मैं बहुत ही उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ।
अगर उनको कुछ हो गया तो मेरे और मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी मदद कीजिए भैया। हाँ टूनी, उस शिकारी अंधविश्वासी से टूना को बचाना है तो उस शिकारी को कैसे भी करके मेरे पास लाना होगा। मैं यहाँ उसको जादू दिखाकर उसको जो भी उपाय बताऊंगा उसको वो सच मान लेगा। और उसने अपनी बीबी को मायके भेज दिया है, इसका भी मुझे ही उपाय करना होगा। पपीते भैया, हम इंसानों के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, उनका कभी भी बुरा नहीं चाहते, फिर भी वो ये सब क्यों करते हैं? इंसान बहुत मतलबी होते हैं चिड़िया, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसको यहाँ मेरे पास लाने के लिए मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है, तो मेरे एक जादुई पपीते को तोड़कर ले जाओ। ये पपीता उस शिकारी के झोपड़ी में रख देना। उसके बाद मैं जो कुछ भी यहाँ से बोलूँगा मेरी आवाज़ इस पपीते से निकलकर उसे सुनाई देगा। इतना सुनकर टूनी उस पपीते को तोड़कर उसे शिकारी के झोपड़ी के अंदर रख देती है। थोड़ी देर बाद वो शिकारी अपने झोपड़ी में आता है, तभी पपीता बोलने लगता है। शिकारी, अरे ओ शिकारी, अरे ये किसकी आवाज है? कौन मुझे पुकार रहा है? कौन है यहाँ? मैं जादुई मोटे पपीते का पेड़ बोल रहा हूँ। तुझे अपनी किस्मत बदलनी है तो आज शाम तक मेरे पास पहुँच जाना, वरना तेरा नुकसान होना तय है। मोटे पपीते का पेड़ ये कहाँ मिलेगा? इसी जंगल में, जंगल के बीचों बीच एक पपीते का पेड़ है, वहाँ तेरे सारे परेशानियों का हल मिल जाएगा, जल्दी जा। इतना सुनते ही शिकारी खुश हो गया और तुरंत जंगल की तरफ चला गया। वहाँ पर टूनी, उसके बच्चे और बाकी पक्षी छिपकर उसका इंतजार कर रहे थे। शिकारी वहाँ पहुँच जाता है। शायद यही है मोटे पपीते का पेड़। अब मोटे पपीते ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। जितने पपीते पेड़ पर फले थे सभी सूर्य की तरह चमकने लगे। ये चमत्कार देखकर शिकारी का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर मोटा पपीता एक देवी की आवाज में बोला, हे शिकारी व्यक्ति, मैं स्वर्ग की देवी हूँ, मैं तेरी समस्याओं का समाधान करने आई हूँ। ये सुनते ही शिकारी हाथ जोड़ लिया और उत्सुक होकर बोला, माता माता, आखिरकार आपने मेरी पुकार सुन ही ली। आपको खुश करने के लिए मैं चिड़िया का बलि देने वाला हूँ, मेरी भेंट को स्वीकार करना माता। मूर्ख व्यक्ति, मैं उसी पाप को रोकने के लिए यहाँ आई हूँ। जिस तांत्रिक ने तुम्हें उपाय बताया था वो ढोंगी है। चिड़िया या किसी भी बेजुबान जानवर को बलि देने से भला मैं क्यों प्रसन्न होऊंगी? तो माता रानी बताइए, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं जिससे आप खुश हो जाए? तूने परेशानी आने पर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और यहाँ आकर एक पक्षी को पकड़कर उसे मारने की सोच रहा है। सबसे पहले तो उस पक्षी को आजाद कर, वो अपने परिवार से मिल जाएगा और तुझे दुआ देगा, और फिर गांव जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगकर उसे अपने घर लेकर आ जा और अपना काम दोबारा शुरू कर। कुछ ही दिनों में तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ठीक है माता, मैं ऐसा ही करूँगा। माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो। शिकारी के बात सुनकर सभी पक्षी खुशी से झूम उठे। शिकारी अपनी झोपड़ी में जाकर टूना को आजाद करता है। बस अब गांव जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगकर उसे वापस ले आऊंगा और खूब मेहनत करके माता रानी की सेवा करूंगा। जय माता रानी। इतना कहकर शिकारी गांव के लिए निकल जाता है। और इधर टूना खुशी खुशी मोटे पपीते के पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां टूनी, उसके बच्चे और सभी पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। सभी टूना को देखकर खुश हो गए। मोटे पपीते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी जान बच गई और मैं अपने परिवार से फिर से मिल गया, वरना अब तक तो मेरी बलि चढ़ गई होती। जब तक आपका मोटा पपीता आपके साथ है आप लोग को कुछ नहीं होगा।
ये सुनकर सभी पक्षी खुशी खुशी झूम उठते हैं और टूना टूनी और उसके बच्चे एक दूसरे से लिपट गए। इस तरह मोटे पपीते ने जंगल के पक्षियों की मदद की।